हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज़ एल टू एस लर्न टू सक्सीड आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक का चैप्टर नंबर फोर्थ द कॉप एंड द एंथम के एम सी क्यूज करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे अगर किसी ने पहले वीडियो नहीं देखी द काप एंड द एंथम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वो वीडियो देख लीजिएगा जिसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा और एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स भी इजीली आपको आ जाएंगे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसकी वजह से आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगी जो भी चैप्टर मैं कराऊँगी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन उसकी वीडियो आ जाएगी करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है Where was Sophie sitting in the park? पार्क सोफ़ी कहाँ पर बैठा हुआ था पार्क में On the grass, on the seat, on the chairs, near to well. तो सोफ़ी कहाँ बैठा हुआ था एक बेंच के ऊपर एक सीट के ऊपर पार्क में तो कौन सा करेक्ट हुआ Second ऑप्शन करेक्ट हुआ द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ वेस्ट या नन ऑफ द अबव बर्ड्स कौन सी डायरेक्शन uh, में जाने लगी थी साउथ साइड क्योंकि नॉर्थ साइड तो विंटर्स होने लगी थी तो बर्ड्स को वार्म वाटर वेदर चाहिए था तो वो कहाँ की साइड जाने लगी थी साउथ की साइड तो सेकंड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है वट फल एट सोफ़ीज़ फीट सोफ़ी की फीट के ऊपर क्या गिरा था अ फ्लावर अ लीफ अ डैड लीफ नन ऑफ दीज तो उसकी उसकी फीड पर क्या गिरी थी एक डैड लीफ जो कि एक विंटर का साइन है है ना तो थर्ड क्या है इसका करेक्ट वन अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर के रिकार्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर सीइंग द डेड लीफ सोफ़ी रियलाइज कि वो डेड लीव को देखने के बाद सोफ़ी ने कैरियलाइज़ किया था ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ इन सम वे ही शुड अवॉइड ऑल द डेडली थिंग्स ही हैज़ टू डू समथिंग क्रिएटिव दिस विंटर एंड अन ऑफ अबब तो उसने क्या डिसाइड कैरियलाइज कि? किया था कि अब उसको अपना ख्याल रखना पड़े फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ़ हेमसेल्फ इन द सम वे हुआ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वे आर डिट सॉफ़ी लिव सॉफ़ी कहाँ पे रहता था फर्स्ट है मेडिसन स्क्योर सेकेंड है फोर्थ स्र थर्ड है पार्क स्ट्रीट एंड फोर्थ है लंडन तो वो कहाँ पे रहता था मेडिसन स्क्योर में और कहाँ पे बैठा हुआ था वो बेंच के ऊपर ही ये जो एक सीट थी पार्क में वही उसका घर थी तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट वन होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हर एक एम सी के साथ इसलिए देती हूँ कि क्योंकि जिस बच्चे ने अगर चैप्टर नहीं समझा हुआ तो भी एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए ये ऑप्शन का रट्टाफिकेशन मत लगाया करो द पॉजिटिव चेंज केम इन द सोफे ड्यू टू हिस्स की जो सोफी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया था वो किस लिए कैसे आया था चाइल्ड हुड होम स्टे एट द चर्च डिटर्मिनेशन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड तो बताइए इसका क्या होगा सोफ़ी ने पहले तो वो अपने चाइल्ड होम चाइल्ड हुड होम की साइड जब वो झाँक रहा था उधर से एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी तो उसको अपनी चाइल्ड हुड मेमोरी सारी याद आ गई थी तो एक ऑप्शन है चाइल्ड हुड होम फिर वो आगे चलता तो वहाँ पर चर्च की साइड आता है तो ये दो चीज़ें हैं जिसने सोफ़ी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आया था पर इधर हमने एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो फोर्थ करेंगे क्योंकि फोर्थ में क्या है फर्स्ट भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है तो फोर्थ क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट सोफे इज विंटर्स होम इज द ब्लैकवेल्स आइलैंड मेडिसन स्क्र साउथर्न एरिया नन ऑफ अबब ध्यान से देखिए इधर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सोफे का विंटर वाला घर कौन सा था वैसे तो वो मेडिसन स्क्यर में रहता था पर वो विंटर्स के लिए कहाँ पे चला जाता था प्रिजन में चला जाता था और उस प्रिजन का क्या नाम था ब्लैकवेल्स आइलैंड तो फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट द आरोनी ऑफिज लाइफ वॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अरेस्टेड बट ही वॉज अरेस्टेड नाउ ही विश टू बी अरेस्टेड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड उसकी लाइफ के आरोनी क्या थे कि वो अब अरेस्ट नहीं होना चाहता था क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ गया था कि वो कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर लेगा वो जॉब कर सकता है अपने थॉट्स को चेंज करेगा और पर वो उसी टाइम अरेस्ट हो गया जब वो अरेस्ट नहीं होना चाहता था वो तब अरेस्ट हुआ तो कौन सी हुई फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो फोर्थ को आप करेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन इंक्लूड हैं नेक्स्ट है द साइंस इन द पार्क इंडिकेट द सीजन जो पार्क में साइंस uh, उसको दिख रहे थे वो कौन से सी सीजन को इंडिकेट करते हैं स्प्रिंग को विंटर को ऑटम को या नन ऑफ हबर्फ तो जाहिर सी बात है पूरे चैप्टर में विंटर्स की ही बात हो रही है तो जो भी साइंस थे वो साइन थे वो विंटर की साइड ही इंडिकेट कर रहे थे कि जैसे बर्ड्स हैं वो साउथ की साइड जा रही थी पत्ते जो है डेड uh, लीव नीचे गिर रही थी और जो लोग हैं वो वार्म कोट्स वगैरह ले रहे थे नेक्स्ट इन द विंटर नाइट्स सोफ़ी यूज़ विंटर नाइट्स में सोफी क्या यूज़ करता था ब्लैंकेट सेकेंड कवर इट न्यूज़पेपर टू वार्म हिज बॉडी नन ऑफ अवर तो वो क्या यूज़ करता था न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर को यूज़ करता था अपने कोट के राउंड लगा लेता अपने पैरों के राउंड लगा लेता था, था कि अपनी बॉडी को गर्म रख सके नेक्स्ट द साइंस इन द पार्क्स इंडिकेट द सीज़न ये पार्क में दोबारा रिपीट हो गया ना ये क्वेश्चन कोई बात नहीं जो साइंस थे पार्क में क्या इंडिकेट करते थे विंटर को है ना अभी अभी किया हमने ये तो सेकेंड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट द ऑनर ऑफ दी अम्ब्रेला होम सोफ़ी मेट वॉज हिमसेल्फ जो अम्ब्रेला जब सोफी ने चुराया था तो वो जो ऑनर था अम्ब्रेला का वो कौन था इंटरेस्टेड टू कॉल अ कॉप क्या वो पुलिस को बुलाना चाह रहा था और न्यूज़पेपर सेलर था वो एंड अम्ब्रेला थीव था या नन ओफाब तो वो क्या था अम्ब्रेला थीव था उसने खुद वो अम्ब्रेला चुराया था कहीं से कहाँ पर रेस्टोरेंट में उसको अम्ब्रेला मिला और वो ले आया तो उसी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन कि वो खुद ही एक अम्ब्रेला थे थीफ था नेक्स्ट वॉट पनिशमेंट वॉज गिवन टू सोफी सोफी को कौन सी पनिशमेंट दी गई थ्री मंथ्स प्रीजन फाइव मंथ प्रीजन सेंट टू दार्क अगेन या नन ऑफ दीज उसको थ्री मंथ्स की जेल जेल दी गई एज पनिशमेंट सो थ्री मंथ्स प्रीजन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन वी आर डेट सोफी लिव सोफ़ी कहाँ पर रहता था मेडिसन की फोर्स क्योर पार्क स्ट्रीट या लंडन तो वो कहाँ पे रहता था मेडिसिन के में ए ऑप्शन करेक्ट है एक दो ऑप्शन रिपीट हुए हैं कोई नहीं आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से याद हो जाएंगी यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है देखिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है अगर आपको चैप्टर समझ में आए तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए